हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं स्टॉक से रिलेटेड वीडियो आपके लिए लेके आती हूँ और आज भी मैं ऐसा ही एक बहुत अच्छा पिक आपके लिए लेके आई हूँ जो अभी जो न्यूज में सबसे ज्यादा है और जिसका क्रेज आ ही गया है, फीवर चढ़ चुका है, वो हमारा वर्ल्ड कप जो कि इंडिया में खेले जाने वाला है। तो इसी से रिलेटेड मैं एक स्टॉक बताऊंगी। तो आइए पहले वर्ल्ड कप के बारे में बात कर लें कि वैसे भी हम इंडियंस में क्रिकेट को लेके बहुत क्रेज है और वर्ल्ड कप जो हमारे इंडिया में होने वाला है उसको लेके जो क्रेज है उसका देखिए, इंटरनेशनल टीम सारे प्लेयर्स ऑलरेडी इंडिया आ चुके हैं, बहुत ज्यादा फोटो सेशन सब हो रहा है। अगर आप देखिए तो फैंस भी और क्रिकेटर्स आपस में फोटो क्लिक करवा रहे हैं, एक्साइटमेंट पूरा हो गया है। ये देखिए, ये पाकिस्तान के कैप्टन है बाबर आजम, इनके साथ जो हमारे मैचेस होते हैं उनका तो क्रेज ही अलग होता है, पर हमारा सपोर्ट तो ऑब्वियसली हमारे इंडिया को ही रहेगा। होप फॉर द बेस्ट, हमारा इंडिया ही वर्ल्ड कप लेके आए। ये देखिए, ये भी आ चुके हैं और ये रहे हमारे इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा जो कि ऑब्वियसली पूरे फॉर्म में होंगे, और उनके साथ उनका विराट कोहली और हमारी जो भी इंडियन टीम्स हैं हम उनको ऑल द बेस्ट कहते हैं। और इन्हीं से रिलेटेड देखिए, जो जोर शोर से तैयारी हो रही है, स्टेडियम सारे सज चुके हैं, सारे स्टेडियम्स का बहुत अच्छा है। ये देखिए, फैंस के साथ इंटरनेशनल प्लेयर्स फोटो क्लिक करवा रहे हैं। अगर इस फोटो में आप देखें तो पूरा धूम मचा हुआ है, पूरा सर चढ़ के आपको वर्ल्ड कप का जो फीवर है, फैंस और जितने भी लोग हैं घर घर में सब क्रिकेट के कितने बड़े फैन हैं आप जानते ही हैं। इसी से रिलेटेड आज मैं जो पिक लेके आई हूँ तो इसी से रिलेटेड है। तो चलिए पहले एक बार वर्ल्ड कप के शेड्यूल के बारे में बात कर लेते हैं, मैचेस के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से शुरू हो रहा है। हमें पता है जो फर्स्ट मैच है वो 5 अक्टूबर से शुरू हो रहा है, इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच में होगा। 6 अक्टूबर को भी मैच है, तो लगातार मैचेस हैं। 6 अक्टूबर को पाकिस्तान नीदरलैंड्स के हैं और हमारे इंडिया का जो मैच है वो 8 अक्टूबर को होगा फर्स्ट मैच, जो कि वीकेंड में ही पड़ रहा है, संडे को पड़ रहा है आपको। तो सारे शेड्यूल्स आ गए हैं। नेक्स्ट जो मैच होगा वो इंडिया पाकिस्तान का होगा। तो इस वजह से जिस सेक्टर को रिलेटेड मैं जो बनाई हूँ वो है, मैंने पहले भी इस पे वीडियो इससे रिलेटेड बनाया है, आप जाके चेक कर सकते हो। और आज जो मेरा पिक है बहुत ही शानदार है, बहुत ही बढ़िया कंपनी है। तो आप देखिए, जिस पे मैं बनाने वाली हूँ वो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। ये बहुत बड़े बड़े चेन्स को मैनेज करती है, इसके अंडर अंदर बहुत बड़े बड़े नामी चेन्स हैं जो ये मैनेज करती है। तो आइए देखिए जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में बात करते हैं। कंपनी ट्रेड कर रहा है 533 रुपए पे, मार्केट कैपिटल जो है कंपनी का वो है 35,176 करोड़ का, ROC 16.2%, ROE 18.1% है। कंपनी बहुत अच्छी है, ROC ROE शानदार है। अगर आप स्टॉक पी की बात करें 131 है और इंडस्ट्री पी की बात करें तो 102 है। तो हम स्टॉक पी की बात कर रहे थे। हाँ, कंपनी जो अभी प्राइस है वो थोड़ा महंगा है, लेकिन ये भी तो आप देखिए कि कंपनी काफी अच्छी है और कंपनी पे थोड़े डेब्ट भी है 2,554, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन पे वर्क कर रही है। अगर कंपनी के पास आप रिजर्व्स देखें तो कंपनी ने रिजर्व्स भी अच्छा बनाया है 1,906 करोड़ का, सेल्स ग्रोथ 3 ईयर 9.51% का है। तो कंपनी अच्छा कर रही है। तो जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है इस कंपनी का उस पर बात करते हैं। तो आप देखिए कि म्यूचुअल फंड्स का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो 15.97% का है। तो म्यूचुअल फंड का कितना भरोसा है इस कंपनी पे, अगर वहीं आप देखते हैं तो FIS ने भी 25.22% का इसमें इन्वेस्टमेंट है। तो FIS या म्यूचुअल फंड का जिस कंपनी में निवेश रहता है तो वो बहुत, मतलब जो अच्छी कंपनी रहती है उसी में करते हैं। तो काफी विश्वास दिखाया हुआ है इस कंपनी में, क्योंकि उनको भी इस कंपनी में भरोसा है, क्योंकि वो लोग ऐसे ही किसी कंपनी में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। जुबिलेंट फूड वर्क्स के बारे में मैंने आपको बताया है कि ये बड़े बड़े चेन्स को मैनेज करती है। तो इसमें अगर आप देखें तो ये किस किस कंपनी को, इसमें डोमिनोज पिज्जा आता है जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उनको ये मैनेज करती है, इन्हीं के अंदर आता है। तो डोमिनोज को लेके आप जानते हैं कितना क्रेज है, डोमिनोज पिज्जा है, पोपाइज है, डंकिंग है, हॉन्ग्स किचन है और भी
ये सारे बड़े बड़े नाम हैं, बड़े बड़े फूड जॉइंट्स हैं जो कि बहुत इन लोगों का नाम है, और सेल्स डोमिनोज का आप जानते हैं, घर घर में, हर शहर में, हर जगह इनका चेन पहुंचा हुआ है। तो इनको सेल्स का तो वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जिस टाइम में वर्ल्ड कप है, फेस्टिव सीजन है, तो इन सब कंपनी के सेल्स ऐसे ही बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा इन लोगों का फायदा होने वाला है। इन वर्ल्ड कप की वजह से लोगों का एंगेजमेंट बढ़ेगा, लोग बाहर जाएंगे, लोग घर पे भी रहेंगे तो मैचेस में रहेंगे, तो काफी ज्यादा इन सब कंपनियों को फायदा होगा। होटल इंडस्ट्रीज कितना ज्यादा न्यूज में बनी हुई है क्योंकि हाइक्स बहुत हो गए हैं, काफी फेयर्स बढ़ गए हैं, तो फूड जॉइंट जितने भी हैं, जो भी अच्छे कंपनीज हैं, उन लोगों को काफी फायदा होने वाला है। उसी में से आज मैं भी ये पिक लेके आई हूँ, जो है जुबिलेंट फूड वर्क्स। आपने देखा ही, नॉट ओनली डोमिनोज पिज्जाज, बड़े बड़े शहरों में ये पोपाइज, डंकिंग, हांगकॉन्ग किचन जो है, इनका भी अपना रेस्टोरेंट का बहुत बड़ा चेन है। तो इन सब की वजह से इस कंपनी को, कंपनी ऐसे ही बहुत अच्छा कर रही है। और इस सब वर्ल्ड कप के टाइम में जो धूम मचा है, कितना क्रेज है इन सब फूड जॉइंट्स का आप जानते हैं, तो उस सब वजह से जुबिलेंट फूड वर्क्स अच्छा करके देगी। आई होप मैंने जो की पॉइंट्स है आपको अच्छे से बता पाई हूँ। मुझे लगता है जुबिलेंट फूड वर्क्स एक अच्छा रिटर्न देके जा सकता है हमें, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट, और ऑल द बेस्ट टू टीम इंडिया। वर्ल्ड कप की धूम आप लोग भी इंजॉय करें, और साथ ही में मेरे वीडियो को भी प्यार दें। आप लोग को अगर अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कमेंट में आप मुझसे कुछ भी पूछ सकते हैं। अगर आपको कहीं पे भी लगा हो कि मुझे कुछ और बताना हो, अगर इस कुछ इम्प्रूवमेंट हो, तो प्लीज लेट मी नो, मैं काम करूंगी और अच्छे से अच्छा वीडियो आपके लिए लेके आऊंगी। थैंक यू सो मच।